आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट की पिछली 4 से 5 बार जब इसका नोटिफिकेशन आया है तो उनके वैकेंसी का ट्रेंड क्या रहा है, यानी किस बार कितनी वैकेंसीज आई है और किस रीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई है, और क्यों ऐसा होता है कि किसी एक रीजन से बिलोंग करने वाले या वहां से अप्लाई करने वाले के पास चांसेस ज्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन के और दूसरी जगह से चांसेस कम बन जाते हैं। और कई बार ये होता है कि आप सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जो इनका LPT होता है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप फॉर्म फिलिंग करना, इसलिए इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना कि कैसे इनकी वैकेंसीज जो है दिखने में ज़्यादा दिखती है लेकिन वो ज़्यादा होते हुए भी कॉम्पिटिशन लेवल को कम नहीं करने की बजाय उल्टा और बढ़ा देती है, क्योंकि किसी एक रीजन से ही सारी वैकेंसीज आती है। और क्यों आती है इसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से जो भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासकर के आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए गाइडली जो है वो फ्री प्राइम PDF बंडल कोर्स लेके आया है इनका। इसके अंदर 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर रहा हूं, तो वहां से जाके आप जरूर देखें इसको, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है, ये बहुत मदद करेगा आपको आगे प्रैक्टिस करने में। अब बात करते हैं हम आरबीआई असिस्टेंट के पिछले 4 से 5 नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज आई है और किस रीजन में ज़्यादा वैकेंसीज आई है। तो 2015 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2015 में जब इनका नोटिफिकेशन आया था तो टोटल वैकेंसीज इनके पूरे भारत में थी 504 और बंबई के अंदर हाईएस्ट थी इनकी 81 वैकेंसीज। उसके बाद 2017 में इनका नोटिफिकेशन आया, उसमें 623 वैकेंसीज थी टोटल 623 और हाईएस्ट वैकेंसीज थी बंबई में 264, यानी आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। और दिल्ली में उसके बाद थी सेकंड नंबर पे 47 और कानपुर एंड लखनऊ रीजन में थी इनकी 44, यानी आप देखें 264 से सीधा जो सेकंड पे दिल्ली है उसमें 47 है, तो इससे समझ आता है कि कितना बड़ा फ्लक्चुएशन होता है। उसके बाद 2019 के अंदर 926 वैकेंसीज टोटल आई 926, जिसमें बंबई में 499, चेन्नई में फिर 67 आई, कानपुर और लखनऊ में 63 आई और गुवाहाटी में 55 आई। यानी फर्स्ट पे जो बंबई था उसमें 419 और सेकंड में सीधा 67, यानी इतना ज़्यादा अंतर, टोटल 300-350 से भी ज़्यादा का अंतर इनका बन जाता है, यानी जो सेकंड नंबर पे हो ट्रिपल फिगर में भी उसके अंदर टोटल वैकेंसीज नहीं आई है। उसके बाद 2021 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज इसके अंदर निकल के आता है कि टोटल 950 वैकेंसीज रहती है इनकी, लेकिन बंबई के अंदर केवल 128 आती है और कानपुर एंड लखनऊ में हाईएस्ट वैकेंसीज आती है 131। उसके बाद चंडीगढ़ में आती है इनकी 78, बेंगलोर में 74 और न्यू दिल्ली में 75 वैकेंसीज। इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे कि लगभग 950 के आसपास इसकी वैकेंसीज आएगी, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा चांसेस यही है कि एक बार फिर बंबई रीजन में अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिले। हालांकि जितनी वैकेंसी, जैसे 419 वैकेंसीज आई थी इनकी 2019 में, इतना ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आए, लेकिन फिर भी पूरा चांसेज है कि ज़्यादा जो सेकेंड नंबर पर आएगा और जो फर्स्ट नंबर पर आएगा, जैसे पिछली बार कानपुर लखनऊ था और फिर बंबई था, तो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं था, इसलिए बंबई के अंदर इस बार फिर ज़्यादा चांसेस है वैकेंसीज आने का। क्यों चांसेस है? क्योंकि बंबई जो है इनका हेडक्वार्टर है। मैंने एक आरबीआई ग्रेड बी का ट्रांसफर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने कहा था आपको कि आपको 8 से 10 साल अपने पूरे टेन्योर के अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको बंबई में ही गुजारने पड़ेंगे और इनिशियल पोस्टिंग के अंदर 80-70% चांसेस ये रहता है कि आपकी बंबई पोस्टिंग आए। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ इनका हेडक्वार्टर है और वहीं पर इनको ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, बशर्ते दूसरे रीजन्स के। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है कि जैसे जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, यानी हिंदी स्टेट के, वो अगर बंबई से अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से फाइट करना पड़ेगा। हमने LPT को लेके ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, क्योंकि LPT निकालना आसान नहीं होता है। ये SBI की तरह, IBPS के जैसा नहीं होता है कि आपने दूसरे रीजन से अप्लाई किया और आपका आसानी से सिलेक्शन हो गया। आरबीआई असिस्टेंट का LPT निकालना भी काफ़ी टफ होता है। कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो जिनको वो लैंग्वेज पूरी आती है, जैसे हिंदी स्टेट के, तो ही वो हिंदी के अंदर फेल कर देता है उनको LPT के अंदर RBI। और इसको लेके काफ़ी सारे कोर्ट केसेस भी हर बार हुए हैं, इस बार भी सुनने में आया था कोर्ट केसेस हुए, तो ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है। तो इसको ध्यान में रखें कि अगर आप दूसरे रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो पहले माइंड में क्लियर कर लें और अभी से उसकी LPT की भी तैयारी हल्की हल्की स्टार्ट कर दें, ताकि बाद में आपको आसानी रहे जब आपका मेंस क्लियर हो जाए LPT के अंदर। इसके अंदर खास बात ये भी रहती है कि दूसरे एग्जाम्स में तो हमने देखा है कि आपने 8th क्लास तक या आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो या 10th हो या 12th हो, तो आप LPT में बच सकते हैं अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन इस एग्जाम में आप LPT से बच नहीं सकते, आपको LPT जरूर देना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।